दोस्तों इन्फिनिक्स ने पिछले ही दिनों इंडिया में अपना सस्ता स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को लॉन्च किया था। वहीं अब चर्चा है कि कंपनी हॉट सीरीज के तहत एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है और इस फोन को हॉट 10 नाम से गूगल प्ले कंसोल पे स्पॉट किया गया है। हालांकि कंपनी की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई, लेकिन गूगल प्ले कंसोल पे हुई लिस्टिंग में इसके कई खास फीचर की जानकारी सामने आई है। दोस्तों गूगल प्ले कंसोल पे हुई लिस्टिंग के अनुसार इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन मॉडल नंबर के साथ देखने को मिल जाता है और इस फोन की डिस्प्ले रेजोल्यूशन HD प्लस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसे एंड्रॉइड 10 OS के साथ पेश किया जाएगा और इसमें 4GB रैम की सुविधा मिलेगी और कंपनी इसे कई स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा लिस्टिंग में जानकारी दी गई कि अपकमिंग फोन इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन मीडिया टेक MT6769 प्रोसेसर से लैस होगा, जो कि ये मीडिया टेक हिलियो G70 चिपसेट पे आधारित होगा और इसमें ग्राफिक्स के लिए माली G50 GPU का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कंपनी इसे बेस्ट गेमिंग के तौर पे पेश करने वाली है, जो कि इस फोन में काफी अच्छी गेमिंग खेली जा सकती है। इसके अलावा इन्फिनिक्स हॉट 10 को हाल ही में TUV राइनलैंड लिस्टिंग में देखा गया है, जहां इस फोन को 2 मॉडल नंबर के नाम से लिस्ट किया गया था और लिस्टिंग के अनुसार इस फोन में 5100mAh की बैटरी दी जाएगी, साथ में फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस फोन के कैमरे फीचर और डिस्प्ले साइज को लेके कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही अगर लीक्स की माने तो इस बार इस फोन में काफी अच्छे कैमरे सेटअप का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इस सीरीज के पिछले मॉडल की बात करें, जिसमें कंपनी हॉट 9 और हॉट 9 प्रो को मार्केट में उतार चुकी है और इसकी प्राइस 8,500 रुपए और 9,500 रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया था और इसमें मीडिया टेक हिलियो P22 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस फोन में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन्फिनिक्स हॉट 10 को इससे अपग्रेड फीचर के साथ लॉन्च करेगी। साथ ही इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इसे कंपनी 10,000 से लेकर 10,500 रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च कर सकती है और इसे इंडिया में अगस्त लास्ट वीक या फिर सेप्टेम्बर तक के बीच में लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों वैसे इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।